नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरे। वहां पर उनका स्वागत जिला प्रशासन और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने किया। उसके बाद सीएम योगी ने बाई रोड बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही रोहिणिया स्थित जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान पर जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं विपक्षियों के एकजुट होकर चुनाव में लड़ने पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि किस तरह से विपक्षी दल एक होकर जो सपना देख रहे हैं वह इस बार भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा और ये भाजपा की सरकार के साथ चल रही है, वो जनता सब देख रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कुछ लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। मैनपुरी के गोकुलपुर सामूहिक हत्याकांड मामले में सपा सांसद डिंपल यादव शोक संवेदन व्यक्त करने के लिए पहुंची। उन्होंने कहा कि गुस्से में आकर इस तरीके का निर्णय लेना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल हुई महिला का इलाज समाजवादी पार्टी करवाएगी और उनको लखनऊ लेकर जाएगी। डिंपल यादव ने मृतक के परिवारजनों को संतावना दी। उनका दुख बांटने आई हूँ और जैसा कि हमें पता चला है कि एक बहू है जो अभी जिनकी हालत बहुत गंभीर है, तो उसके इलाज के लिए भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे लखनऊ ले जाके उसको बेहतरीन इलाज कराएं उनका, क्योंकि उनके दो छोटे बच्चे भी हैं, एक 3 महीने की बच्चा है और एक 3 साल की बिटिया भी है, तो पूरी कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी इस परिवार की मदद करने की। उन्नाव में लगातार अघोषित बिजली कटौती से जिला कारागार के कैदियों में हड़कंप मच गया। सुबह से खराब ट्रांसफार्मर की वजह से जिला कारागार में बिजली आपूर्ति बाधित रही। सुबह से बिजली ना आने से भीषण गर्मी से हजारों कैदी बेहाल रहे। भीषण गर्मी से कैदियों का खाना पीना दुर्भर हो गया। जिला कारागार के विभागीय अधिकारियों ने खराब पड़े ट्रांसफार्मर को लेकर बिजली विभाग को सुबह शिकायत की, लेकिन लगातार शिकायत के बाद भी गहरी नींद में बिजली विभाग सोता रहा। वहीं अमेठी में हाईकोर्ट के आदेश पर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन का बुलडोजर चला। पीडब्ल्यूडी के शिकायत और कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अवैध अतिक्रमण हटवाया। राजस्व टीम ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर पीडब्ल्यूडी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जमीन की पैमाइश करवाते हुए अतिक्रमण को हटवाया। मौके पर विरोध कर रहे लोगों को पुलिस अपने साथ ले गई। दरअसल सड़क के बगल पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया था, जिसके चलते कोर्ट के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में गाटा संख्या 301 ग्राम लखनीपुर में जो खतौनी में सड़क के नाम दर्ज है उस पे किए गए अतिक्रमण को आज यहाँ से हटवाया गया है। वहीं एटा में ट्रक को ओवरटेक करते समय ग्रेटर नोएडा की रोडवेज बस ट्रक में पीछे से घुस गई, जिसमें एक दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस के ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 2 घायलों की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। हादसा पिलुआ थाना क्षेत्र के सुन्ना हाईवे पर हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत सिंह है, मैनपुरी निवासी हूँ और अलीगढ़ से मैं मैनपुरी जा रहा था अपना वीडियो एग्जाम देके, जिसमें ड्राइवर की पूरी गलती है। उसने ट्रक था उसमें पीछे से टक्कर मारी, 85 की स्पीड से ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, हम उसके बगल में खड़े थे। 2-3 बार वो झपकी ले रहा, हम उसको जगा रहे अंकल जी झपके चलो, फिर भी वो गाड़ी स्पीड पे रेस पर रख के अपनी गाड़ी भगाया जा रहा ओवरटेक कर रहा। कितने लोग घायल हैं? एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं जी। बस 11 से 12 लोग घायल स्थिति में आए हैं, जिसमें से 2 की हालत ज़्यादा गंभीर है, जिन्हें हमें हायर सेंटर रेफर करना पड़ रहा है। बाकी उनकी हालत सामान्य है, उनको फर्स्ट एड देके उन्हें यहीं एडमिट किया है। बाकी आपको जानकारी तो बताया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां एक और यूपी सरकार जन जन का नारा नशामुक्त नया उत्तर प्रदेश हमारा का नारा दे रही है और अवैध व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रही है। वहीं दूसरी ओर ललितपुर के नजई बाजार में ओवर रेट पर शराब बेची जा रही है।
वो भी शटर बंद करके शटर के नीचे से, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देसी शराब की दुकान नशा मुक्त उत्तर प्रदेश के नारे को पलीता लगाते हुए नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि ये शराब की दुकान सदर कोतवाली के बहुत करीब है और ये पहला मौका नहीं है। शटर के नीचे से शराब बेचने का इससे पहले भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और जिला प्रशासन ने इन शराब के दुकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह पूरा मामला सदर कोतवाली अंतर्गत नजाई बाजार का है। वहीं ललितपुर लाइट का तार जोड़ते समय युवक को करंट लग गया। करंट लगते ही युवक जमीन पर गिर गया। आनन फानन में परिजनों ने उसे निजी वाहन से जिला अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला थानाबार क्षेत्र अंतर्गत चंदावली गांव का है। सहारनपुर गंगोई में करीब 15 दिन हुए विवाद के कारण रात गोलियों की गूंज सुनाई दी। जानकारी के अनुसार कस्बे के मोहल्ला गुलाम औलिया में 9 तारीख को कुत्ते को मारने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसने कल रात तूल पकड़ लिया और एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष के युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी हमलावर के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर फिर से विपक्षियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार गोलियां कम पड़ गई थी लेकिन बच गया, अगली बार नहीं बचोगे। वीडियो में हमलावर कह रहा है कि जेल जाने से पहले वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का काम करेगा। वहीं फर्रुखाबाद में नए एसपी विकास कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। एसपी विकास कुमार जिले में इंचार्ज लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जिले में गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस और समाज के सभी वर्गों के साथ सामंजस्य बैठाकर जिले में अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा। अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के लिए पुलिस काम करेगी। मैं एसपी फतेहगढ़ यहाँ पर कानून व्यवस्था को मजबूत करूँगा और अपराध में कमी लाने के लिए कार्य करूँगा। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ये सबसे प्राथमिकता होगी। इसके अलावा माफियाओं के खिलाफ जो कार्यवाही चल रही है वो जारी रहेगी और उसमें और भी गति लाई जाएगी और गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत जो कुर्की कार्यवाही चल रही है वो भी जारी रहेगी और उसमें भी तेजी लाई जाएगी। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा में दो युवक डूब गए, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक को गोताखोरों ने बाहर जिंदा निकाल लिया। थाना मेरापुरा के गांव जरारी से परिवार के साथ गंगा में बहाना बन पहनाने के लिए युवक आए थे। परिवार में ही पुलिस और आर्मी में तीनों लोगों की नौकरी लगने पर ये युवक फनाबन पहनाने के लिए आए थे। फनाबन पहनाते समय श्याम मिश्र और पूतन गहरे पानी में जाने से डूब गए, जिसे देख परिजनों ने शोर मचाया। शोर सुन गोताखोरों ने पूतन को नाव की बल्ली पकड़कर बाहर निकाला। शाम काफी देर तक उसका कोई पता न चला, जिस पर गोताखोरों ने गंगा में घुसकर उसको निकाला। परिजन शाम को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने शाम को मृत घोषित कर दिया। गुरुद्वारा सिंह सभा सितारगंज में क्षेत्र के गणमान्य सिखों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब प्रबंधक कमेटी के सदस्यों द्वारा सामूहिक इस्तीफे की बात फेसबुक के माध्यम से कहे जाने पर गंभीर चर्चा की गई, जिसमें सिख संगत द्वारा गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरबंस सिंह चुग द्वारा अब तक गुरुद्वारा प्रबंधक को सुचारू और संवैधानिक तरीके से चलाए जाने की भरपूर प्रशंसा की। वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सिख संगत सरकार हरबंस सिंह द्वारा गुरुद्वार हित में लिए गए निर्णय और शैली से संतुष्ट हैं। कमेटी सदस्यों और सरदार हरबंस सिंह द्वारा इस्तीफे देने की बात आ रही है, उन पर सिख संगत द्वारा आपत्ति जताई गई और कहा गया कि कमेटी सदस्यों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सिख संगत द्वारा चुनकर गुरुद्वारा जी सेवा के लिए भेजा गया है। सदस्यगण अपनी इच्छा से इस्तीफा नहीं दे सकते। यदि कोई सेवा में समस्या या अड़चन आई है तो सिखों को आमंत्रित कर अवगत कराया जाएगा, जिस पर सिख संगत स्वयं उचित निर्णय लेगी।
और गुरुद्वारा की सेवा और सहयोग के लिए संगत को जब भी आमंत्रित किया जाएगा सिख संगत तुरंत उपस्थित होगी। सभी लोगों ने फेसबुक पर एक वीडियो देखी थी जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानक मता के सदस्यगणों द्वारा इस्तीफा दे देने की बात कही गई थी। शायद उनको कोई समस्या आ रही हो या अड़चन आ रही हो या कुछ लोगों द्वारा उन्हें परेशान करने का प्रयत्न किया जा रहा हो, लेकिन हम सभी उनसे आज ये कहने के लिए आए हैं आपके माध्यम से कि हम सभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सिख संगत जो है वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानकमता के साथ है। सरदार हरबंस सिंह चुग जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा अब तक बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं और बड़े अच्छे निर्णय लिए गए हैं, और जो चोरी हेराफेरी और भ्रष्टाचार गुरुद्वारे में हो रहा था उसके ऊपर उन्होंने अंकुश लगाया हुआ है, और जिसके लिए जो कुछ लोग हैं अब उन्हें उनके उनको वहां से परेशान करके करना चाहते हैं कि वो स्वेच्छा से इस्तीफा देकर चले जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत जिला मुख्यालय में चल रहे गोलोजीव महोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा रविवार देर रात फोन के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए कहा। सीएम धामी ने कहा कि मेले में आने की उनकी बहुत इच्छा थी लेकिन व्यस्त होने के कारण वो महोत्सव में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने रविवार देर रात महोत्सव में भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा और भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद वर्मा को फोन कर महोत्सव में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गोलू देवता हमारे आराध्य देव हैं और न्याय के देवता हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने विगत कई वर्षों से गोलू महोत्सव चल रहा था जिसको उसको देखते हुए जो बच्चों को एक सांस्कृतिक मंच और बच्चों को हमारे धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है, और इसके साथ ही साथ जो भी जितने भी मंदिर हैं हमारे भारत माला के तहत इनको भी एक कॉरिडोर के तहत जोड़ा जा रहा है, और जो हमारी कैलाश यात्रा मानसर कैलाश यात्रा चलती थी इसी टनकपुर से लोहाघाट होते हुए चलती थी, इसका एक पड़ाव यहाँ हमारे रिकेश्वर मंदिर में भी हुआ करता था, और पुनः ही इस मार्ग को और कैलाश मानसर यात्रा के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैं पुनः धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ऋषिकेश जिस समिट के तहत त्रिवेणी घाट पर आयोजित होने वाली संध्या आरती को लेकर महापौर की अगुवाई में जनप्रतिनिधियों सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग और शहर के व्यापारियों ने आज उत्सव रैली निकाली। खराब मौसम के बावजूद नगर निगम से गंगा तट त्रिवेणी घाट पर ढोल नगारों के साथ उत्सव रैली निकाली गई जिसमें तमाम लोग शामिल हुए। शहर के गणमान्य जनों ने, शहर के व्यापारियों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने, हमारे पार्षद गणों ने और जितनी भी हमारी मातृ शक्ति है सभी ने उत्साह वर्धन के लिए नगर निगम से त्रिवेणी घाट तक एक उत्साह रैली का यहाँ पर हमने अभी उत्साह रैली निकाली है। यहाँ पे उत्साह वर्धन करा हमने उन सभी कर्मचारियों का, उन अधिकारियों का जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी। 20 दिन का मात्र यहाँ पर समय मिला और हमारे सामने अनेकों चुनौतियाँ थी। पहले तेज धूप थी जिस प्रकार से कि जो लू चल रही थी उसमें भी रात के दिन हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने काम करा। लगातार 4 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, उस बारिश में लगातार हमारे कर्मचारी अधिकारी काम में लगे हुए हैं, तो ऋषिकेश की जनता बड़ी उदार हृदय की जनता है। IDPL की आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। कांग्रेसियों ने तहसील में IDPL के लोगों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में IDPL की आवासीय कॉलोनी को खाली होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। उसी का नतीजा है कि आज भी IDPL की आवासीय कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार लोगों को छत देने के बजाय उन्हें बेघर करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष IDPL की आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ है। हरीश रावत ने दावा किया है कि लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए कांग्रेस धरना प्रदर्शन अनशन करने से पीछे नहीं हटेगी।
मौके पर कांग्रेस नेता जयंदर रामोला, राजपाल खरोला और राकेश मियां ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आईडी जो संघर्ष समिति है उसके साथ है, कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। और मैंने डीएम महोदया से बात भी की है कि भाई ये उद्धव करिए जो ये लाइट काटने का है, और मुख्यमंत्री को सजेस्ट करिए कि वो संघर्ष समिति को भी बुला करके इस मामले का समाधान करे। और मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करने जा रहा हूँ कि भाई आईडीबीएल का संचालन करने का निर्णय, और यदि आप संचालन करने में असमर्थ हैं तो फिर इनको इनके जो वहाँ रह रहे हैं उन लोगों की समस्या का समाधान करिए, जो मांग उनकी है उसको स्वीकार करिए, और बाकी जमीन का क्या उपयोग करना है वो ऋषिकेश के लोगों से बातचीत करिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।